यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में कॉलेजों में छात्र संघ के चुनावों पर रोक जारी रहेगी। जी हां, सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों सहित प्रदेश के 136 कॉलेजों में इस बार भी मेरिट के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से ही एससीए का गठन का फैसला किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने सूबे में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, तब से ये रोक अभी तक जारी है। आपको बता दें 2014 में ये रोक लगाई गई थी। एचपीयू में विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुपचुप तरीके से छात्र संघ चुनावों को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि छात्र संघ चुनावों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। इस वर्ष भी प्रदेश वीवी सहित सभी कॉलेजों में मेरिट के आधार पर ही छात्र संघ का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने मेरिट के आधार पर एचपीयू और इससे संबंधित कॉलेजों में एससीए के गठन को लेकर शेड्यूल भी तय कर दिया है। सभी कॉलेजों में 10 से 18 सितंबर के बीच एससीए के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भाजपा ने चुनावों से पहले छात्र संघ चुनावों की बहाली के अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इसके चलते छात्र संगठनों को उम्मीद थी कि इस वर्ष चुनाव बहाल होंगे, लेकिन लगातार पांचवें वर्ष छात्र संगठनों की उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही है। विश्वविद्यालय के इस फैसले से एक बार फिर से छात्र संगठनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वीवी के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर कमलजीत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 8 दिन के भीतर मेरिट आधार पर एससीए गठन की प्रक्रिया पूरी कर लें। तो आपको बता दें, छात्रों को इससे जाहिर तौर पर जो चुनावी संगठन है उनको कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। तो हमारे साथ विक्रम कैथ एसएफआई की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। तो देखा जा सकता है कि एक झटका आप लोगों को लग गया है, क्योंकि 4 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे थे, इस साल भी वो बहाल नहीं हो पाए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में कैसा माहौल है। दरअसल ये जो झटका आप बोल रहे हैं, ये झटका छात्रों को नहीं लगा है, ये झटका भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर लगा है। यहाँ पर हम दम भरते हैं कि भारत सबसे बड़ा नौजवानों का देश है, और यहाँ पर पढ़े लिखे छात्र जो नौजवान हैं, उनको आप ये अधिकार नहीं दे रहे कि वो चुन सके या चुने जा सके। तो ये झटका जितना छात्रों का है, उससे ज्यादा हमारे भारतीय लोकतंत्र को है, वो भी उस स्थिति में जब एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के अंदर मत लेती है छात्रों का, नौजवानों का, कि वो जनवादी अधिकार देगी, पर चुनाव जीतने के बाद वो मुकर जाती है। ये उसकी जो गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है उसको दिखाता है, और हमारा ये मानना है कि छात्र इसका माकूल जवाब सरकार को देंगे। और इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का, जब जब सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, छात्र संघ का जो हमारा हक है वो छीना है, आंदोलन के जरिए हमने वापिस लिया है और इस बार भी वापिस लेंगे। जी, तो आपका जो रोष है वो किसके खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या फिर जो हालात तो उस दौरान बन जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव होने होते हैं तब खूनी संघर्ष भी हिमाचल में हम देख सकते हैं बहुत बार छात्रों के बीच में हुआ है। लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र का उस समय भी ध्यान रखना होता है जब छात्रों के बीच में ही खूनी झड़प होने लग जाती है। शिखा जी, देखिए अगर आप इतिहास देखेंगे तो मुझे तो अपने जीवन के अंदर याद नहीं कि चुनाव के दौरान हिंसा हुई हो। जी, ये एक तर्क दिया जाता है कि चुनाव के दौरान हिंसा होती है, चुनाव के द्वारा कतई हिंसा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर नहीं हुई है। उदाहरण के लिए हरियाणा के अंदर तो चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ हिंसा होती है, वहाँ के परिसरों के अंदर हिंसा होती है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया अपने आप में छात्र संगठनों को भी जिम्मेदार बनाती है, और उस जिम्मेदारी के चलते उनको भी शांति बनाए रखना पड़ती है, अनुशासन के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबी यही है। तो हिंसा और चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो केवल जो सरकार है उसका एक तर्क होता है कि वो चुनाव के अंदर हिंसा है या हिंसा के कारण होता है। अगर ये मान लिया जाए तो जो लोकतंत्र के अंदर हमारे असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं उसमें जो हिंसा होती है, तो फिर तो वो भी नहीं होने चाहिए, ये तर्क नहीं हो सकता है। जी, तो बार बार अगर हम कई चीजों को देखें तो ऐसी कुछ चीजें सामने आती है जहां पर चुनाव के चलते आपसी जो छात्र संगठन होते हैं उनमें गुटबाजी भी होती है। विक्रम कैथ, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ एबीवीपी की ओर से हमारे साथ गौरव अत्री इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये फैसला आया है, क्या आप इससे खुश हैं, और अगर खुश नहीं है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, आपका इस जो बुलेटिन है इसमें विद्यार्थी परिषद का कोड लेने के लिए धन्यवाद।
विद्यार्थी परिषद का पिछले लगभग 5 सालों से, जब से कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनावों को बैन किया है, तब से लेकर के विद्यार्थी परिषद का आंदोलन लगातार चल रहा है। और अभी आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद ने ये डिमांड की थी सरकार से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाए, लेकिन इसके ऊपर जो फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय है जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है कि ये चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। विद्यार्थी परिषद का आंदोलन इसके लिए लगातार रहेगा जब तक छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होते हैं। विद्यार्थी परिषद की लड़ाई ये लगातार चलती रहेगी क्योंकि ये कोई भीख नहीं, विद्यार्थी परिषद और पूरे छात्र समुदाय का अधिकार है और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे भीख ना समझे कि कोई हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। ये अधिकार है और अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए। चलिए, आपके अधिकारों की बात है, लेकिन इसके साथ ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो वहां पर साफ साफ ये भी कहा गया था कि जो चुनाव बहाली है, जो कांग्रेस के समय लगाई जा चुकी थी, अब जो चुनाव बहाली है उसे कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहाली नहीं हुई है। सरकार का पहला ये साल है लेकिन यहाँ पर अब फिर से चुनाव बहाल नहीं हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जिस तरह से छात्रों के साथ धोखा कांग्रेस सरकार करती आ रही है, जब जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने छात्र संघ चुनावों को बैन किया है। हम यहाँ पर चेतावनी देते हैं सरकार को भी और सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, नहीं तो विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन उसी तरह से चलेगा जिस तरह से कांग्रेस की सरकार के समय चलता था। जी बिल्कुल, दो टूक नजरिया आप अपना जनता के सामने पेश कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, लेकिन इसके साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब आपके संगठनों की आगे की जो रणनीति है वो इसको लेकर क्या रहेगी, चुनाव बहाली को लेकर क्या रहेगी? हमारा आंदोलन निरंतर चलेगा और इसमें अभी हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिला था, शिक्षा मंत्री से भी मिला था, लेकिन इसमें नकारात्मक रवैया मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का भी रहा है, जिन्होंने कि विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं डाला और विश्वविद्यालय की इसमें नाकामी है क्योंकि विश्वविद्यालय हमेशा अपनी जिसको बोलते हैं नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के तर्क देता है, कुतर्क देता है कि यहाँ पर हिंसा होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव हो, वरना तो विद्यार्थी परिषद का विरोध झेलने के लिए सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन तैयार रहे। जी, और उसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर SFI के छात्र नेता विक्रम कैद भी जुड़े हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि चाहे जितने भी विद्यार्थी या छात्र संगठन हो, चाहे VV की बात कर ली जाए या फिर शिमला की बात कर ली जाए, आपस में विचारधारा का जो मतभेद है, जो टकराव है, वो रहता ही है, लेकिन इस समय जो फैसला आया है, क्या आप जो चुनाव बहाली है उसके लिए आप एकजुट होंगे? विक्रम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क उनसे कर चुका है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ गौरव अत्री अभी भी बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब आप एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि विचारधारा का जो मतभेद है, टकराव है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी छात्र संगठन है वो बना ही रहता है। दोनों जो छात्र नेता थे हमारे साथ जुड़े थे, उनका हम शुक्रिया करना चाहेंगे और संपर्क साधने की भी कोशिश उनसे करते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर अब सामने आ चुका है, जहाँ पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ ये कहा जाता है कि छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं उनकी बहाली कर दी जाएगी अगर सरकार बनती है। आपको बता दें 2014 में इस पर रोक लगा दी गई थी, तर्क ये दिया जाता था कि जो चुनाव होते हैं उसके लिए जो छात्र संगठन है उनमें आपसी मतभेद ज्यादा बढ़ता है और साथ ही टकराव की स्थितियां उन दोनों के बीच में उत्पन्न हो जाती है जो भी संगठन होते हैं, और खून खराबा बहुत ज्यादा होता है, संघर्ष भी बहुत होता है, झड़प होती है। लेकिन वही अगर VV की बात की जाए तो VV का ये कहना है कि शैक्षणिक जो सत्र है वो शुरू होने वाला है और जिसके चलते जो चुनाव है अब उसे बहाल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ शशिदत्त वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हम खबर अभी तक के इस मंच पर, लेकिन शर्मा जी आपसे हम ये यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में पहले ये वादा भी किया गया था कि जो चुनाव हैं जो कांग्रेस की सरकार से रोक दिए गए थे अब उनकी बहाली हो जाएगी, लेकिन अब जो फैसला है VV का वो इसे उलट आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो शायद उनसे भी हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन आपको बता दें बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल था, इसमें शामिल था कि जो छात्र संघ के चुनाव है उन्हें बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो VV का
फैसला आया है, मेरिट के आधार पर चुनाव होगा, जैसे चार सालों से चले हुए थे अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा, जिसको लेकर जितने भी छात्र संगठन हिमाचल में मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष की लहर है।